हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जंप्स इन लूप्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लूप्स क्या होते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि उन लूप्स का जो फ्लो होता है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो हम कंट्रोल करते हैं थ्रू जंप्स इन लूप्स, जिसके अंडर टू स्टेटमेंट्स आती है, एक हमारा ब्रेक स्टेटमेंट और एक हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर लूप्स ऑन मीटिंग सम स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो इन्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक लड़की है नेहा, जिसको घूमने का बहुत शौक है, लेकिन उसकी मम्मा उसे सिर्फ ऑड डेज पे बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एक फॉर लूप लगा लेंगे, ठीक है, विच विल लूप फ्रॉम डेट इज इक्वल टू 1 टू डेट इज इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस दिन भी जा सकती है बाहर, उस दिन हम प्रिंट कर सकते हैं कि यू कैन गो आउट टुडे। यहाँ पे हम इसको वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं एंड वील सी आउट गो आउट टुडे, ठीक है। तो अब हमें ये कंडीशन लगानी है कि जिस दिन भी इवन डे है उस दिन ये प्रिंट ना हो, मतलब कि वो स्किप हो जाए। तो ये स्किप करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप, ठीक है। तो इसमें हम एक सिंपल इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ डेट परसेंटेज टू इज इक्वल टू 0, मतलब कि वो डेट जो है वो एक इवन डेट है, तो हम क्या करेंगे कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा कि कंटिन्यू हिट होते ही जो हमारे लूप में नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। वी विल मूव टू द नेक्स्ट, वी विल स्किप टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ दैट लूप, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि नेहा को हर मंथ कुछ पॉकेट मनी मिलती है एंड वो पॉकेट मनी वो हर रोज़ जब भी बाहर जाती है वो कुछ स्पेंड कर देती है। तो जब वो पॉकेट मनी ख़त्म हो जाएगी तो साफ सी बात है वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं हम, पॉकेट मनी, एंड सपोज़ नेहा को 3000 पॉकेट मनी मिलती है हर मंथ, ठीक है। तो जब भी नेहा बाहर जाएगी उसकी जो पॉकेट मनी है उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे 300 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जिस दिन भी नेहा की पॉकेट मनी ज़ीरो हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, तो उस दिन हमें ये लूप ख़त्म करना है, टर्मिनेट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ पॉकेट मनी इक्वल टू 0, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे ब्रेक। तो जैसे ही पॉकेट मनी 0 होगी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ दैट लूप एंड ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू की, तो हमें और बेटर समझ में आएगा इनका इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक लूप दिया हुआ है जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है वो प्रिंट ना हो, तो हम वो वाले पार्ट्स को स्किप कर देंगे जहाँ पे भी 3 से डिविजिबल होगा नंबर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक लूप लिख लेते हैं, फ्रॉम इंट i इज इक्वल टू 0 to 100, और हम क्या करेंगे इनको हर एक नंबर को प्रिंट कर देंगे। अब ये चेक करने के लिए कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, i परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, और जिस टाइम भी ये आई की वैल्यू जो है वो 3 से डिविजिबल होगी हम क्या करेंगे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू होने से जो उसके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे जो भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है वो प्रिंट नहीं हो रहे, क्योंकि जब भी i परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पे इट स्किप्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कोई गिवन नंबर प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो चेक करने के लिए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं हम उसे डिवाइड करके देखते हैं फ्रॉम नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to n-1, और अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली तो हमें पता चल जाता है कि वो प्राइम नहीं है, इट इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। तो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम एक n इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, ठीक है, जो स्टार्ट करेगा 2 से, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता ही है, तो और ये चलेगा n-1 तक। तो व्हेन आई राइट
आई इज लेस देन एन यहाँ पे फॉर लूप में, तो इट मीन्स कि द लूप विल आइटरेट टिल एन माइनस वन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें चेक लगाना है कि इफ़ एन परसेंटेज आई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि आई कोई नंबर एन को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि इट इज़ अ नॉन प्राइम. अब क्या हमें आगे वाले नंबर से उसको डिवाइड करने की ज़रूरत है? नहीं, हम यहाँ पे अपना लूप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि वो नॉन प्राइम है. तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का, और अगर ये लूप पूरा चल जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी हमें नंबर ऐसा नहीं मिला है जो एन को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो वी नो कि इट इज़ अ प्राइम नंबर. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लूप से बाहर जो है ये ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आया है या फिर ये अपना पूरा लूप कंप्लीट करके बाहर आया है? तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी. हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि जब ये लूप से बाहर आता है तो जो ये आई है इसकी वैल्यू क्या है. अगर ये एन के इक्वल है, मतलब कि लूप पूरा फिनिश हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम है. और अगर पहले ही कहीं पे लूप जो है ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कि ब्रेक स्टेटमेंट से हम बाहर आए लूप के, तो उस केस में हम प्राइम जो है प्रिंट नहीं करेंगे. तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें आई को बाहर डिफाइन करना पड़ेगा फॉर लूप से, और यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे इफ़ आई इक्वल टू एन, तो उस केस में हम ये प्रिंट कर देंगे कि इट इज़ अ प्राइम नंबर. इसको एक बार ये एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. ठीक है, सो आई एम गोना इनपुट अ नंबर 17 एंड आई गेट प्राइम. लेट्स इनपुट अनदर नंबर नॉन प्राइम. तो ये हमारा प्रोग्राम जो है सही चल रहा है. अब इसकी एक अलग वेरिएशन होती है इसी क्वेश्चन की. इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें सारे जो प्राइम नंबर्स हैं इन अ गिवन रेंज वो प्रिंट करने होते हैं. तो यूज़र ने हमें दो नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, उनके बीच में जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं दो नंबर्स. अब यहाँ पे जो है हम यूज़ करेंगे नेस्टेड फॉर लूप्स का. क्यों? एक फॉर लूप तो हमारा चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे. दूसरा फॉर लूप जो होगा वो चलेगा फ्रॉम ऑल नंबर्स ए टू बी. ठीक है, तो बाहर वाला लूप करेगा ए टू बी, और अंदर वाला लूप हर एक नंबर के लिए चेक करेगा कि वो प्राइम है या नहीं. तो फॉर इज इक्वल टू ए, और ये चलेगा टिल बी. तो इसके अंदर हम एक और लूप लगा देंगे फॉर चेकिंग फॉर एवरी नाम. ठीक है, तो ये लूप चलेगा आई इज इक्वल टू टू से आई इज लेस देन नाम तक. एंड कहीं पे भी अगर हमारा नाम परसेंटेज आई ज़ीरो हो जाता है, दैट मीन्स कि वो नंबर नॉन प्राइम है. तो अगर वो नंबर नॉन प्राइम है तो हमें उसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट वॉन्ट टू स्किप टू द नेक्स्ट नंबर. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर लूप है हमें उससे बाहर आना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट नंबर पे जा पाएंगे. तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. ब्रेक स्टेटमेंट से जो ये अंदर वाला जो फॉर लूप है इससे हम बाहर आ जाएंगे, बट वी विल स्टिल बी इनसाइड द आउटर फॉर लूप. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन हाउ डू वी नो कि ब्रेक स्टेटमेंट से हम बाहर आ रहे हैं या फिर पूरा लूप कंप्लीट करके हम बाहर आ रहे हैं? तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे. ठीक है, कि आई अगर नाम के इक्वल है तो हम उस नंबर को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है अंदर वाला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर प्राइम है. अब यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे जो है हमें आई को बाहर इनिशियलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, और ये हमारा लूप हो गया. तो इसको एक बारी प्रिंट करके देख लेते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड प्रिंट ऑल ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 एंड वी गेट द रिजल्ट. ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हो गए जिससे शायद आपको बेटर समझ में आया होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.